फारूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है, ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली और आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है, मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्हें कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पर दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है।
आप देखिए हिंदुस्तान ने यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है, बहुत बार हुआ है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के दो भाग भी किए गए हैं, एक स्टेट को बांटा गया आंध्रा को, आंध्रा और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड बिहार में से बनाया गया, मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है, और ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे।